सीतामढ़ी में करीब 4 साल से बंद पड़े रीगा चीनी मिल के एक बार फिर से शुरू होने की संभावनाएं जगी है। इसके लिए ई ऑक्शन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी रिजर्व प्राइस 91 करोड़ रखी गई है। ई ऑक्शन 27 मई को किया जाएगा। 7 मई तक इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। यह ई ऑक्शन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के आदेश पर निकाला गया है। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल पिछले 3-4 सालों से बंद पड़ी है। इसको चालू करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। जानकारी के मुताबिक ऑक्शन के संदर्भ में NCLT ने लिक्विडेटर की नियुक्ति भी की है। ये ऑक्शन पर पूरी निगरानी रखेंगे। फिलहाल रीगा चीनी मिल के ई ऑक्शन में भागीदार लोगों में प्रत्येक को 25 मई तक 4.5 करोड़ रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी है। ई ऑक्शन में कितने निवेशकों ने आवेदन दिए हैं इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रीगा चीनी मिल का संयंत्र 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थित है, जिसमें 40 एकड़ भूमि खाली है। जून 2018 के दौरान बैंक के मूल्यांकन में इसकी संपत्ति 300 करोड़ से अधिक निर्धारित की गई थी। इस चीनी मिल पर करीब 211 करोड़ की देनदारी है। इसमें KCC लोन, किसानों की बकाया, क्रेन प्राइस, कर्मचारियों की देनदारियां और बैंक की देनदारी भी शामिल है।